तुम हर चीज में करण की कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो, हर चीज में करण के जैसा दिखने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है करण जैसे कपड़े पहन के तुम करण की तरह कूल लगोगे? नहीं, हर किसी के बस की बात नहीं है करण की तरह दिखना। मैंने तुम्हारा कमरा देखा है, तुम्हारे कमरे में हर चीज करण के कमरे की तरह, तुम्हारा वॉर्डरोब, तुम्हारे कपड़े, सब कुछ। क्यों कर रहे हो ऐसे? मुझे तो लगता है कि तुम करण को लेकर बहुत ऑब्सेस्ड हो, हर तरह से उसकी कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम कर नहीं सकते हो। चाहे तुम कितनी भी कॉपी कर लो, एक चीज तुम्हारी हमेशा अलग ही रहेगी, और वो है तुम्हारा चेहरा। दोनों के चेहरे अलग अलग हैं, बाकी सबसे करण और मेरन और मैं एक एक। कौन हो तो अर्जुन सूर्यपंच। नहीं, तो कर करण के कोई साइको फैन लगते हो मुझे। भगवान के लिए करण की कॉपी करना बंद करो। प्रीता लूथरा, एक के बदले में पांच, एक फाड़ा है पांच दूंगा। तुम्हारे लिए पांच दुपट्टे हैं, सोचा तो लौटा दूंगा जो मुझसे फटे थे। इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है, मैं चाहता हूं इसे तुम रखो। मैंने तुम्हारे दुपट्टे फाड़े थे ना, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे दुपट्टों को लगे कि मैं उनका दुश्मन हूं, इसलिए दे रहा हूं। शिट, ये मैंने क्या बोल दिया? मुझे एक एक लव सोच के बोलना चाहिए। अब मैं अर्जुन हूं तो मुझे करण वाली हरकतें नहीं करनी है। मैं करण नहीं, मैं अर्जुन हूं, अर्जुन सूर्यवंशी। शशि, प्रीता जी कहाँ है? वो तो आपके साथ है ना, आपके साथ थी इसलिए मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं किया। वैसे उन्होंने मुझे काफी डिस्टर्ब कर दिया है, मतलब मुझे इतना सारा ज्ञान दे दिया, लेक्चर दे दिया कि दूसरों का फोन चोरी नहीं करते, उनका फोन चेक नहीं करते एंड व्हाट नॉट। अरे वो क्योंकि तुम्हें लगता है ना कि समीर का अफेयर चल रहा है वो, बट चेकिंग द फोन इज नॉट अ गुड थिंग। हेला, एक मिनट, दीने आपको बता भी दिया कि मुझे ऐसा लगता है कि उसका अफेयर चल रहा है। यू नो व्हाट, अफेयर को मारो गोली और समीर को भी मारो गोली। मेरे भाई को क्यों गोली मारो? अरे मेरा मतलब है कि उसकी बात हम क्यों कर रहे हैं, छोड़ ना, जाने दो ना। वैसे भी मुझे ऐसा लगता है कि उसके साथ मुझे शादी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि समीर में ना समझ नाम का ऐसे भी नहीं है। लेकिन शादी के लिए समझ की जरूरत होती ही नहीं है ना, उसके लिए तो फीलिंग्स की जरूरत होती है सृष्टि, उसके लिए प्यार की जरूरत होती है, और वो प्यार और वो फीलिंग तो तुम्हारे अंदर है समीर के लिए, और समीर के अंदर है तुम्हारे लिए। देन द बेसिक थिंग्स आर क्लियर ना। जी, आपने बात तो एकदम पते की कि प्यार तो होना चाहिए, बट अंडरस्टैंडिंग वो भी तो जरूरी है ना। और समीर में तो समझ ही नहीं है, मतलब अगर वो थोड़ा सा समझदार होता ना तो शायद और मजा आता। पता की बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं एक बात बोलूं, अगर जिसको तुम प्यार करती हो और जो तुम्हें प्यार करता है, अगर वो तुम्हें प्यार ही वापस ना मिले तो फिर समझ का क्या करोगे? इसलिए चाहे शादी के बाद हो या शादी से पहले हो, पहले प्यार उसके बाद कुछ और, और जहां पर सच्चा प्यार होता है ना, वहां पे ये सेक्रीफाइसेस, लॉयल्टी, इन चीजों की कोई कमी नहीं होती। वो खुद ब खुद दिल से निकल कर आते हैं, फोर्स नहीं करनी पड़ती, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और एक बात बताऊं, लाइफ में जरूरतें जरूरी हैं, लेकिन उन जरूरत से ज्यादा जरूरी है प्यार। जब प्यार होता है ना तो जरूरतें खुद ब खुद अपने आप पूरी हो जाती है। रही बात समझदारी की, आजकल तो 10 साल का बच्चा भी समझदार है, इंटरनेट पे सब कुछ मिलता है ना, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन मिलती तो है ना। जहां पर बड़े बुजुर्ग होते हैं, अपने माँ बाप होते हैं,
वहां पे समझदारी खुद ब खुद आ जाती है, इसलिए सबसे पहले प्यार करो फिर समझ लूंगी। हाँ तो ऋषभ जी, ये आप एक लाइन में भी बोल सकते थे, इतना बड़ा लेक्चर देने की जरूरत नहीं थी, आप भी दी की तरह। तुम अपनी हो ना, इसलिए तुम्हें समझाना पड़ा। एंजॉय सर। ओके हाँ, वो रहा मेरा बैंड, मेरा मतलब है हस्बैंड। अरे भाग के कहाँ जा रहा है, चिपकने थोड़ी आ रही हूँ, ये चिपकाने आ रही हूँ तुम्हारा फोन। हे भगवान जी, अगर इसे पता चल गया कि इसके जेब से मैंने फोन निकाला है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, और लोगों को मेरी बदमाशियां भी पता चल जाएंगी, फिर ऋषभ जी और पिता जी मुझे बहुत डांटी देंगे। नहीं नहीं, ये सब मुझे नहीं चाहिए। अरे सुनो, आप मेरी बात सुनिए। क्या वो क्या क्या मेरी साड़ी पर कुछ गिर गया था तो मुझे वॉशरूम दो, मैं करूंगी। अर्जित, अर्जित के कमरे में उसका कमरा एक था, करण करण के कमरे की तरह हर एक चीज, हर एक चीज। बस प्रीता जी रिलैक्स, मैंने कहा मेरे मेरे जानना मुझे। हाँ सुनिए, आपको पता है कि वो जो अलमारी थी, उसकी अलमारी में तो सब मैं तुम्हें प्रीता की ढाल और प्रीता को जिंदगी देने वाली सांस तो कभी नहीं बनने दूंगा। कर लिया तुमने कई साल जो तुम्हें करना था, अब और नहीं। ये सिर्फ ब्रीद इन, मुझे बुलाया ब्रीद आप जी नहीं, हर जगह तुम इंपॉर्टेंट नहीं होते हो। मैं तुमसे बात ही नहीं कर रहा था, मैं उनसे मुखातिब हो रहा था। अर्जुन, तुमने मुझे बुलाया? हाँ बोलो, क्या बात है? एक्चुअली मैं भूल गई। अर्जुन, तुमसे कुछ बात कर। कम ऋषभ, क्या हुआ तुम्हें मेरी बात का कुछ? मैं बहुत काम हूं, बहुत कंपोज, तुम जल्दी से गुस्सा नहीं करता, पेशेंट। और सब लोग मुझे यही कहते हैं कि इतना कूल और कंपोज होना अच्छी बात नहीं, पर मैं हूं तो हूं। बट व्हाट? तुम मुझे जानने की कोशिश कर रहे हो बहुत ज्यादा, वेयर एज तुम खुद अपने आप को नहीं जानते। डिड एनीवन टेल यू यू आर इंपेशेंट? इतनी सी चीज अगर तुम्हारे अकॉर्डिंगली नहीं होती ना, तुम रिएक्ट करते हो। ये देखो तुम रिएक्ट कर रहे हो ना। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता, एक्चुअली आता, पर तुम्हारे ऊपर नहीं आया। पता नहीं क्यों नहीं आया, बट डोंट टेस्ट माई पेशेंस। ऋषभ, मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करना बंद कर। तो कर कैसे ट्रीट करूं? बच्चों को बच्चों की तरह ही ट्रीट किया जाता है। यू आर अ चाइल्ड, तुम्हें किसी ने कहा नहीं होगा यू आर बच्चे हो, तुम इम्पेशेंट हो, चिढ़ जाते हो, रिएक्ट करते हो। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना जिसको दूसरों को परेशान करके बहुत मजा आता है। यू आर दैट चाइल्ड। रियली? आई डोंट नो यू पर्सनली, बट आई कैन से दैट। यू नो व्हाई? बिकॉज मेरा भाई ऐसा था, ऐसा था। Karan was like that. He was a child to me. I used to love him. मैं करण लूथरा नहीं हूँ। वो अलग है, मैं अलग हूँ। हाँ, मैंने उसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा। He was a good man, but मैं वो नहीं। Okay? So मुझे उससे कंपेयर मत करना। मैं उसके जैसा बिल्कुल भी नहीं। इतना रिएक्ट क्यों कर रहे हो करण को लेकर? जानते थे उसको, मिले थे उसको? उसने तुमसे कोई प्रॉमिस किया था जो पूरा नहीं किया? Why? अगर तुमने कभी उसको किसी बिजनेस प्रमोट करने के लिए बुलाया, उसने हाँ कर दिया हो और बाद में ना कर दिया हो, अगर ऐसा कुछ हुआ हो तो आई एम पर्सनली सेइंग सॉरी टू यू। ही वॉज इम्पल्सिव, ऐसा था वो, बच्चा था वो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इनफैक्ट मैं करण का बहुत बड़ा फैन हूँ, और शायद ही कोई होगा जो करण का इतना बड़ा फैन होगा। ग्लैड, लेट्स जस्ट चक इट। पता नहीं मैं क्यों ऐसी बातें कर रहा हूँ।
शायद मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि प्रीता ने तुमसे शादी क्यों की। अंजलि सुनो, तुम अर्जुन के लिए काम क्यों करती हो? नहीं मेरा मतलब, तुम इतने घटिया इंसान के साथ काम कैसे कर लेती हो? तुम्हारी कोई मजबूरी होगी, तुम्हें कहीं और अच्छी जॉब नहीं मिल रही होगी। तुम मुझे कहो, मैं ऋषभ जी को कहूंगी, तुम्हें बहुत अच्छी जॉब दे देंगे। तुम्हें इतने बेकार इंसान के साथ काम करने की कोई जरूरत नहीं है। आज ही छोड़ दो उसे, मेरा मतलब उसका काम छोड़ दो। बहुत अजीब इंसान है यार। मुझे तो वो बहुत पसंद है। As a boss, he's fantastic, he's superb. What? तुमने fantastic और superb bosses देखे ही नहीं है लगता। अच्छा एक बात बताओ कि तुमने ऋषभ से शादी क्यों की? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? यही कि मैं करण का हार्डकोर फैन हूं और उसकी इतनी आइडियल वाइफ ने किसी और से कैसे शादी कर ली? यही बात मुझे हजम नहीं हुई। आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम यू। अभी मुझे समझ में आ रहा है कि प्रॉब्लम क्या है। सोशल मीडिया, डोंट टेक सोशल मीडिया टू सीरियसली। सोशल मीडिया लाइफ नहीं होती। 90% चीजें जो सोशल मीडिया पे आती है ना, रॉन्ग, फेक। हाउ डू यू नो इट्स ट्रू? जो लोग सोशल मीडिया पे लिखते हैं वो सिर्फ इसलिए लिखते हैं क्योंकि उनकी लाइफ में कुछ हैपनिंग नहीं होता, इसलिए वो दूसरों की जिंदगी के बारे में लिखते हैं। बट दैट्स नॉट ट्रू। लिखते हैं ना वो सेलेब्स के बारे में, सेंसेशनलाइज करने के लिए, जबरदस्ती। जो सोशल मीडिया पर लिखा जाता है उसके बेसिस पे आप मुझे जज मत कीजिए। मैं वो नहीं और मैं क्या हूं ये मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं। What? हाँ बताओ ना क्योंकि। ये कैसा सवाल है? तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैंने ऋषभ जी से शादी क्यों की? तुम मुझसे ये बात कैसे पूछ सकती हो? तुम मेरी कोई दोस्त हो? आई मीन यू आर नॉट दैट क्लोज टू मी। हेलो, ओके ओके, शायद मैंने जो चीजें पहले कही वो मुझे नहीं कहनी चाहिए थी। मेरा तुम्हें या किसी और को हर्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं था। मेरा भी नहीं था। आई एम रियली सॉरी। आई एम सॉरी टू। हेलो, 9:30 बजने वाले हैं। ऋषभ, 9:30 लिविंग रूम, आई सी यू देयर। साहिल का मैसेज, स्कूल से सीसीटीवी फुटेज मिली, ग्रेट। अब मुझे पता चल जाएगा कौन था वो जो प्रीता जी का पीछा कर रहा था स्कूल में। एक्सक्यूज मी, थैंक यू। सुन ना, ऐसा डायरेक्टली मत देखियो, तिरछी नजर देखियो। क्या मेरे पीछे कोई बहुत ही खूबसूरत कुतुब मीनार जितनी लंबी को लड़की दिख रही है जिसकी नाक पे बहुत गुस्सा होता है? हाँ दिख तो रही है यार, लग ही रहा था मुझे। लेकिन वो गुस्से में बिल्कुल भी नहीं है। कमाल है यार, जब भी मेरे पीछे आती है हमेशा गुस्से में होती है, हमेशा लड़ना चाहती है मुझसे। समीर, तुम्हारी पत्नी फिर से तुम्हारा फोन तुम्हारे पॉकेट में रख रही है। सृष्टि, फिर फोन? नहीं नहीं, वो तो ना मैं ऐसे तुम्हारा फोन ना कहीं पे तुम मुझे फिसल के मुझे मिला। एक मिनट, ये तुम क्या कर रही हो? तुम पति और पत्नी के बीच में झगड़ा लगा रही हो? मैं क्यों झगड़ा लगाऊंगी? तुम बताओ कि तुमने फोन क्यों चुराया? मैं अपने पति का फोन चुराऊं या उसका दिल चुराऊं, तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? हैं? और तुम पति और पत्नी के बीच में क्यों बीच में बोल रही हो? हाँ, पति पत्नी के बीच की बात है तो क्या हुआ? जो बात गलत है वो तो गलत ही है ना। तुमने एक शक्की पत्नी की तरह अपने पति का फोन चुराया ये चेक करने के लिए कि कहीं वो दूसरी लड़कियों से बात तो नहीं करता, कहीं उसका चक्कर तो नहीं है। एक्सक्यूज मी, तुम होती कौन हो ये सब बोलने वाली? तुम आज ही हमें मिली हो ना, और तुम यहाँ खड़े रह रहे के हमें ऐसे जज कर रही हो जैसे तुम हमें सालों से जानती हो। तुम करना क्या चाहती हो? हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाहती हो? हमारे बीच में झगड़ा लगाना चाहती हो? हमारी लड़ाई करना चाहती हो? हद में रहो तुम, तमीज में रहो, ठीक है? मैं अपने तमीज में ही रह रही हूँ, ठीक है? तुम क्यों अपनी पत्नी वाली वफा में नहीं रहती?
क्या तुम्हें अपना पति बेवफा लगता है? ए, तुम दोनों बात को कहां से कहां लेके जा रहे हो यार, प्लीज काम डाउन प्लीज। एक मिनट, तुम अपना फोन पकड़ो। मुझे मेरा पति बेवफा नहीं लगता है, मुझे तुम बेवफा लगती हो। या तो तुम जिससे प्यार करती हो ना, वो बेवफा होगा। मैं किसी से प्यार व्यार नहीं करती, ओके? और रियली किसी से प्यार व्यार नहीं करती? ऑफ कोर्स तुम किसी से प्यार व्यार नहीं करती, क्योंकि अगर तुम किसी से प्यार करती तो मेरे पति पे तुम डोरे नहीं डालती। आज इस पार्टी में बड़े हं करके उसको स्माइल किए जा रही हो, उसको इशारे दिए जा रही हो। सुनो, अर्जुन की पीए हो ना तो पीए बन के रहो, उसके लिए चाय पानी फाइल सब लेकर जाओ। मेरे पति पे डोरे डालने की जरूरत नहीं है और हमारे बीच में बात करने की भी जरूरत नहीं है। तुम समझती क्या हो अपने आप को? हमारे बीच में झगड़ा लगा रही हो? कुछ भी बोले जा रही है ये? तुम्हें झगड़े के अलावा और कुछ सोचता नहीं है क्या? हर वक्त झगड़ा 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 तो तुम अपने पति से करती रहती हो हर वक्त। एक्सक्यूज मी, मैं अपने पति के साथ झगड़ा करूं या भांगड़ा करूं, तुम्हें इससे क्या? तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली? प्लीज दोनों चुप हो जाओ, प्लीज प्लीज प्लीज। भाभी 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 तीनों जल्दी चलो ना, अंजलि और सृष्टि आपस में झगड़ा कर रहे हैं। इनके मुंह में तो जबान नहीं है लेकिन मेरे मुंह में जबान है। अंजलि और सृष्टि, अगर आइंदा तुम हमारे बीच में कुछ बोली ना तो देखना तुम्हारा क्या हाल। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे बीच में बोलने का। शौक नहीं तो फिर तुम क्यों बीच में बोल रही हो? बोला बीच में क्या हो गया? पति के जेब में कुछ नहीं रखूं तुम्हें इससे क्या? सृष्टि चुप, क्यों झगड़ा क्यों करो आपस में? तू लड़ना झगड़ना बंद कर, हाँ मेरे साथ चल। एक मिनट में उठो, इसको मुंह तोड़ दो। मुझे ना ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है। अंजलि I'm sorry, अगर सृष्टि ने कुछ ज्यादा बोला ना तो I'm sorry उसकी तरफ से। क्या सॉरी, तुम झेलते कैसे हो इसे? प्यार करता हूँ उससे, इतना झेलना तो बनता ही है ना। अब लगाओ उस पे फैन लगाओ। ये तो एकदम फिट हो गया। नहीं बीजी नानी, मैं बहुत बोर हो रही हूँ, मुझे और नहीं खेलना। ओहो, हारने लगी हो तो बोर हो गई हो? ओ स्वीट 16 गर्लफ्रेंड, आपको क्या लग रहा मैं हारी हूँ? मैं हारी नहीं हूँ, बल्कि मैं आपको जिता रही हूँ कि आप खुश हो जाओ। बड़ी शैतान है तो। मैं तेरी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, मैं तेरी पड़नानी हूँ, समझी? नहीं, मैं आपको गर्लफ्रेंड ही बनाऊंगी क्योंकि आप क्यूट हो ना। नहीं नहीं जानकी आंटी, बड़ों का आशीर्वाद भी तो होता है। अच्छा जी, और मैं जो सबसे बड़ी हूँ उसके आशीर्वाद की कोई जरूरत ही नहीं है? फौरन मौका देख के पार्टी बदल ली, कट्टी कर दूंगी तेरे से मैं। दादी मैंने पार्टी कब बदली? और मैं आपकी पार्टी कभी नहीं छोड़ सकता। यू आर माय गर्लफ्रेंड नंबर टू। करण बेटा, काश तू यहाँ होता और देखता, एकदम तेरी कार्बन कॉपी, जैसा तू वैसी। ऐसे लगता है जैसे तेरी परछाई सामने आ गई, पूरी तरह तुझ पे गई, एकदम शैतान बदमाश। दीदी नानी, मैं ना बहुत बोर हो रही हूँ, मुझे मम्मी चाहिए। मम्मी पापा एक बड़ों की पार्टी में गए हैं ना, जब वो पार्टी खत्म हो जाएगी तब वो काव्या के पास आ जाएंगे। नहीं, डैडो को कॉल करो। ये लो फोन। और उनको बहुत जोर से डांटो, ये बोलो कि मेरी मम्मी को इतनी देर में पार्टी के लिए क्यों ले गए। मैं तेरी मम्मा को फोन लगा के। क्या बात है, बताओ तो सही। तू अंजलि से झगड़ा कर रही थी है? मैं क्यों उससे झगड़ा करूं? वही मेरे पति को ऐसे करके देख रही थी और मेरा पति भी ना उसे देख के स्माइल कर रहा था, तो बस मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे पति पे डोरे डाल रही है तो मैंने उसको दो बातें सुना दी। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मतलब कितना पजेसिव बात करेगी तूने? समीर से प्यार कर शादी की है तो उसमें जरा सा भी विश्वास नहीं है क्या? अरे मतलब किसी से बात कर रहा है तो इसका मतलब यही नहीं है कि उससे चक्कर चल रहा हो या अफेयर हो। और दूसरी बात, समीर पर इतना शक करना छोड़ दे, एक लड़की से बात कर रहा है उसके पीछे तूने उससे झगड़ा कर लिया, कमाल है। अरे आप जानते, आ, पता नहीं सामी कहाँ चला गया, मैं अभी आई। हाँ चीज, ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी। ओ फोन आ रहा है, काव्या का है। हाँ काव्या। मम्मा आप टेंशन मत लो, ये जो मेरी गर्लफ्रेंड है ना वो डैडो पे बहुत गुस्सा है, डैडो को बहुत डांटने वाली है। चलो डैडो को फोन दो। एक मिनट, काव्या कह रही है कि दादी डांटने वाली है। हाँ जी बेटा डांटो, बोलो बोलो। सॉरी डैडो, मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकती, वो जो मेरी गर्लफ्रेंड है ना वो आप पे बहुत गुस्सा है,
दिशा, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। इतना गुस्सा आ रहा है कि मेरे गुस्से के मारे चक्कर आ रहा है। तुम मेरे सामने होते ना तो मैं तुमको बताती, फौरन घर जल्दी आओ। सॉरी दादू, वो ना बस अभी डांटने का वो काफी हो गया। तो दादू एक मिनट में, मेरा ना दूसरा फोन आ रहा है, एक मिनट में आपको वापस फोन करूं। बाय 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 बाय। हेलो, आई एम रियली सॉरी यार, मेरे बिल्कुल दिमाग से निकल गया। मैं अभी डैड को ढूंढता हूँ, वो इधर ही थे, मैं अभी डैड को ढूंढता हूँ और आपकी बात करवाता हूँ। एक मिनट, मेरे को मिल गया, मैं एक बात कराता हूँ आपके। कैसे बचाने की, इन्हें क्या पता अर्जुन सूर्यवंशी कौन है। कितनी बदमाशियां करता था मैं बीजी के साथ, कितना अच्छा रिश्ता था, पर आज एक अजनबी की सेवा उनके लिए मैं और कुछ भी नहीं। और ये सब इसलिए क्योंकि मैंने प्रीता से प्यार किया, उस पर अपने आप से ज्यादा विश्वास किया, उसने विश्वास क्या तोड़ा, मेरे तो सारे रिश्ते ही टूट गए। लेकिन प्रीता कहानी खत्म नहीं हुई है, कहानी तो अब शुरू होगी। तुमने जितना तड़पाया ना मुझे, उतनी ही तड़प मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हें इस हद तक परेशान कर दूंगा कि तुम्हारा दिल कांप उठेगा। आई स्वेयर।